बॉलीवुड के भाईजान अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक्शन करते नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ इसी फिल्म में नहीं बल्कि रेस 3 में भी सलमान दमदार एक्शन करते नजर आने वाले हैं। हाल ही में सलमान फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग खत्म करके रेस 3 की शूटिंग में बिजी हो गए हैं और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 3 का फर्स्ट लुक भी शेयर किया है। जी हाँ, सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पिक शेयर की है। इस पिक में वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हाथ में गन भी पकड़ी हुई है। सल्लू ने अपने फर्स्ट लुक शेयर करते हुए कैप्शन डाला और लिखा, एंड रेस 3 बिगिंस। इसके अलावा अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रेस 3 की टीम के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। खबरों की माने तो इस फिल्म में वो पहली बार नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले हैं। बता दें कि फिल्म के पहले दो पार्ट्स में सलमान खान से पहले सैफ अली खान नजर आए थे, लेकिन इस बार फिल्म के मेन लीड से लेकर फिल्म के डायरेक्टर को बदल दिया गया है। इस बार फिल्म को डायरेक्ट अब्बास मस्तान नहीं बल्कि रेमो डिसूजा कर रहे हैं और ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म में सलमान के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस, बॉबी दियोल, डेजी शाह, साकिब सलीम जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। आपको सलमान का ये लुक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।